थे राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट ऑन प्रेसिडेंट मीन्स महाभियोग का मतलब हटाना, रिमूव। किसी को किसी पद से हटा सकते हैं, लेकिन राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रोसेस किए जाते हैं उसको कहते हैं महाभियोग, उसको कहते हैं इम्पीचमेंट। अब समझ में आ गया, कभी महाभियोग बोले तो हटाना उसके पद से। अब ये नहीं कि कोई दरोगा हटे तो ओकरो महाभियोग बोलेंगे, कोई मुखिया अपने पद से हटे तो ओकरो महाभियोग बोलेंगे, नहीं। महाभियोग समझ में आ गया, इम्पीचमेंट मतलब उसको पद से हटाना। तो ये जो इम्पीचमेंट वाला है किसी किसी पद में देखने को मिलेंगे, सारे में देखने को नहीं मिलेंगे। आज समझ में क्या कहना चाह रहे हैं, तो ये चीज है। तो इसको थोड़ा सा रीड कीजिए, महाभियोग की प्रक्रिया पर फोकस करते हैं कि राष्ट्रपति को निश्चित अवधि के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। अभी बोले ना, अभी तो आपको बोले 5 साल का राष्ट्रपति का पद होता है, क्या उससे पहले हट सकते हैं कि नहीं? हाँ, त्याग पत्र दे दिए, मर गए या महाभियोग लगा दिए, कुछ भी हो सकता है। इसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया व्यवहार में लाई जाती है। तो ये तो महाभियोग हो गया, नेगेटिव वाला मान लिया, त्याग पत्र हुआ तो वो अपने सहमति से दिए, ठीक है। लेकिन महाभियोग अगर कुछ गड़बड़ लग रहा है तो वहां पर महाभियोग लगाया जाएगा। तो कहा जा रहा है कि आर्टिकल 56(1)(b) ख ख बोले तो 1(b) में कहा गया कि राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के आरोप में महाभियोग लगाया जा सकता। देखिए सवाल उठा कि क्यों लगाएंगे, तो लग रहा है कि संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो अब उल्लंघन क्या कैसे वो अभी चर्चा करेंगे, एकदम आराम से सुनते चलिए। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। तो याद रखो, ये ऑप्शन रहते हैं कि राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग द्वारा जो चलाई जा रही प्रोसेस कैसी है, न्यायिक, अर्ध न्यायिक, बोध, नन, बोलो जी, अर्ध न्यायिक, बोले तो सेमी जुडिशियल, सेमी जुडिशियल प्रोसेस, ठीक है। तो ये जो भी बात बताएगा किसके अंतर्गत, 56(1)(b) के अंतर्गत। नेक्स्ट है आर्टिकल 61 में कहा गया है कि महाभियोग का प्रस्ताव आरोप किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, किसी भी सदन द्वारा। यहां पर आपके क्वेश्चन रहते हैं, आप देखोगे ये हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट कितने पार्ट में बटे हैं जी, बताओ जल्दी से। तो 3 पार्ट में, पार्ट में नहीं बोला, सदन नहीं, हाउस नहीं, सदन या हाउस बोले तो लोकसभा, राज्यसभा, बस, और भाग बोले तो अगला हो जाएगा राष्ट्रपति, क्लियर। तो अब राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना है तो ये प्रपोजल सबसे पहले किसके पास जाएगा, लोकसभा के पास कि राज्यसभा के पास, तो किसी के पास भी, यही लाइन ना बोला गया जी, किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है। बोलो किस आर्टिकल के आधार पर, 61। परंतु कोई भी आरोप तब तक नहीं लगाया गया माना जाएगा, कोई भी आरोप तब तक लगाया नहीं माना जाएगा जब तक प्रस्तावित आरोप एक संकल्प के रूप में ना हो, तथा जो कम से कम 14 दिन लिखित सूचना देने के बाद, ध्यान दीजिए इसका प्रोसेस बता रहे, बताया जा रहा है कि जो भी होगा वो 14 दिन लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया गया हो, जिस पर सदन में कम से कम 1/4 सदस्य के हस्ताक्षर देखने को मिलते। मतलब फोकस कीजिए, जो वहां बता रहा है यहां पर समझिए। पहला पार्ट कि महाभियोग की प्रक्रिया कहां ला दी जाएगी, लोकसभा में कि राज्यसभा में, कहीं भी। अगर पहला अगर लोकसभा होगा तो दूसरा कौन होगा, अगर पहला राज्यसभा होगा तो दूसरा कौन होगा, तो जो पहला होगा वो 14 दिन पहले, 14 दिन पहले 1/4 मेंबर के द्वारा हस्ताक्षरित करके राष्ट्रपति के पास भेजेंगे, और दूसरा कोई भी दूसरा, तो पहला तो दूसरा सभा, और दूसरा अगर 2/3 अगर मेंबर हस्ताक्षर कर दे तो राष्ट्रपति को हटने से कोई नहीं रोक सकता है,
ये पूरा फुली प्रोसेस हो चुका क्या, दिस इज द फुली प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ऐसा नहीं जी क्या कहना चाह रहे हैं, फुली प्रोसेस। तो बताइए कौन सदन में इम्पीचमेंट डालेंगे, किसी में भी। पहला राज्यसभा है तो कितने दिन पहले राष्ट्रपति को दें, 14 दिन। कितने मेंबर के द्वारा, और रटने का जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि 14 को इधर उधर कर दो, देखो एक है 4 को नीचे कर दे, बोले याद हो गया ना। 14 दिन पहले कितना मेंबर, 1/4 मेंबर, तो याद रखना आसान हो गया। अब दूसरा सदन के द्वारा कितना मेंबर, तो दूसरा मतलब 2, और 2 से ज्यादा क्या होता 3, तो 2/3, तो याद करना आसान हो गया। इसमें बड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं, दूसरा बोले तो 2/3 अगर ये कर दे तो राष्ट्रपति को हटना ही पड़ेगा। वही चीज देखिए यहाँ बोल रहा, संबंधित सदन उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पारित कर देता है, तो उस प्रस्ताव को दूसरे सदन के लिए विचारार्थ प्रस्तुत किया जाता है, और 61(3) के अनुसार सदन प्रस्ताव में उल्लेखित आरोपों की या तो स्वयं जांच करेगा, मतलब यही अभी जैसे यहाँ पर एक लाइन आपने देखा ना कि राष्ट्रपति क्या करता, संविधान का उल्लंघन के आरोप में महाभियोग लगाया जाता, तो उल्लंघन कैसे, तो कई चीज हो सकते हैं। आप देखोगे राष्ट्रपति बनने के लिए कई योग्यता होनी चाहिए, सबसे पहला आपका एज 35 साल होनी चाहिए, आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आप साफ सुथरे व्यक्ति होने चाहिए, आप पे किसी तरह का केस नहीं होना चाहिए, आप दिवाले घोषित नहीं होने चाहिए, आप पगलेट टाइप का नहीं होने चाहिए। अरे सर क्या करना चाह रहे हैं, लेकिन कभी पता चला 2 साल उनका कार्यकाल होने के बाद कि अरे बेटा इनका जो है ना केस इस थाने में दर्ज था, क्यों, क्योंकि ये पाया गया था इस तरह का सिचुएशन में, पता समझ क्या करना चाह रहे, तो क्या वो उल्लंघन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं क्या करना चाह रहे, तो इसका मतलब या पाया जाएगा कि जैसे होता ना आजकल सरकार की तरफ से लोन मिल रहा है कि 2 लाख 1 लाख लीजिए और काम कीजिए, 2-4-5 लाख लीजिए और अपना बिजनेस कीजिए, बात को समझिए क्या करना चाह रहे हैं। अब बिजनेस किए बोले 5 लाख में 3 लाख मतलब 2.5 लाख देना है, 2.5 लाख माफ, बोले अच्छा है ना, अच्छा नहीं जी, जैसे इंटरेस्ट में लोग 5 लाख का 10 लाख देना पड़ता, आपको 2.5 लाख रुपया दे रहा, तो सरकार कर रही, तो हम लोगों के लिए सपोर्ट के लिए कर रही ना जी, सहयोग के लिए कि आप अपना बिजनेस बढ़ाइए, आप अपना जीविका को बढ़ाइए। लेकिन पता चलो 2.5 लाख भी डुबा दिया, तो डुबा दिया बोला मतलब नहीं दिया, मतलब दिवालिया घोषित कर दिए, इंसॉल्वेंसी, तो वहां तो ठीक है लेकिन वो क्रेडिट चला जाता है, और अभी तो देखोगे अभी क्रेडिट तुरंत चेक कर लेता आदमी, अगर 5,000 का इन्वर्टर खरीदने जाते हो, मोबाइल वो लेने जाते हो, तो देखो सिविल पहले चेक करता है, 750 से ज्यादा होना चाहिए ना जी, 750 से ज्यादा होगा तो ठीक है, और नहीं तो फिर आपका क्रेडिट खराब, बात को समझिए, तो अब तो एकदम ऑन द स्पॉट चेक हो जाता है। तो कहने का मतलब है कि उस तरह का सिचुएशन अगर हो रहा, इसका मतलब आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं, तो बताइए कि 2 साल तक जो भी उनके द्वारा कानून बना, तो अब तो वो तो आरोपित व्यक्ति हो गए, वो तो कांडू व्यक्ति हो गए, अब उनको तो पद से हटना पड़ेगा, तो लगातार 2 साल तक जो भी वो कानून पारित किए, तो क्या वो सब भी कैंसिल हो जाएंगे कि नहीं, आया ना, समझ में आया मेरा कथन क्या है, मैंने क्या कहा ये समझ में आया। मान लीजिए हम राष्ट्रपति हैं भैया, 2 साल तक हम पूरा कानून पारित किया, पता चला कि कुछ मतलब आरोपित है, तो 2 साल तक जो कानून बना तो वो आगे चलता रहेगा या उसको रद्द किया जाएगा, बोलो जी, चलता रहेगा, क्यों, क्योंकि आप उस पद का निर्वाह किए हो, जी क्या कहते पद का निर्वाह किया, आप देखोगे कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि अरे वो मंत्री अनपढ़ गवार है और उसके सामने IAS ऑफिसर सैल्यूट मार रहा है, बोले सही बात है कि नहीं, हाँ काहे को सही, वो मंत्री को नहीं मारा, पद को सैल्यूट मार रहा है, पद को, वो जो अशोक स्तंभ होते उसको सैल्यूट मार रहा है, मारा जाता है उसको नहीं, 5 साल के बाद अगर वो हट जाए तो उसको सैल्यूट मारेगा का नहीं मारेगा, ऐसे में क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, ये सब बहुत सारा तरीका है। आप देखोगे इसलिए आप देखोगे आप लोगों के सिलेबस में पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन जरूर डाला जाता है, क्यों, क्योंकि आप जिस समाज में रह रहे हैं पॉलिटिक्स तो बेटा घरों में चल जाता है, गोतिया लोग भी कर लेता है, बात को समझिए क्या कहना चाह रहे हैं, अगर पॉलिटिक्स का नॉलेज नहीं हो तो आप समाज को जोड़ने का काम नहीं कर पाओगे,
तो पॉलिटिक्स बोले तो एक करी जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है। चेन को देखो, चेन को कितना बड़ा चेन, लेकिन वो छोटा छोटा करी एक दूसरे को जोड़ने का काम करती है। तो पॉलिटिक्स भी वही, जो पॉलिटिक्स का ज्ञान नहीं है वो डिप्रेशन में रहेगा, सुसाइड कर लेगा, यही सब देखने को मिलेगा। लेकिन आई समझ में क्या कहना चाह रहे, तो आप लोगों का एग्जाम में कोई भी सब्जेक्ट डालने का बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है। क्यों आप हिस्ट्री पढ़ते, क्यों साइंस पढ़ते हो, क्यों पॉलिटी पढ़ते, क्यों ज्योग्राफी, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, क्यों, व्हाई, क्या रीजन है? कल को दरोगा बनोगे, कल को बैंक पीओ क्लर्क बनोगे, कल को एसपीओ बनोगे, तो क्या बगल से आके पूछेगा कि भाई तारा काहे टिमटिमा रहले है, बताइए तो जरा, अकबर के बाबूजी की नाम हलै, बात हो रही? ऐसा तो नहीं है। लेकिन वहां पर तरीका की हिस्ट्री पढ़कर जो गलतियां लोगों ने की आप ना करें, बात को समझिए। साइंस पढ़े ताकि अंधविश्वास दूर हो, इन्हें की बिल्ली रास्ता काट दी। अरे यार, डेली आप जल्दी में रहते थे तो आप रास्ता काटते, बिल्ली तो नहीं रुकी, आज बिल्ली निकल गई तो बिल्ली रास्ता काट दी, ये क्या बात है, समझ में नहीं आता। बोलिए भाई, अच्छा दूध अच्छा कि दही अच्छा, दूध अच्छा कि दही अच्छा, अरे बोलो ना जी, दूध अच्छा ना जी, दही, दूध खराब होता तब दही बनता है, दूध फट जाता तो दही बनता है, अगर दूध अपने से फट कर दही बन गया तो खराब हो गया, फेंक दो, और अपने नींबू डाल के जोरन डाल के अगर दही बनाए तो एक नंबर, देख दो ना घर में सब बात, नहीं भी ना चाहिए, ये क्या बात हो गया, अरे अपने फट गया तो मैं छोटी था थी, घर से दूध पी के नया निकलना बाबू, जितना खराब होगा मतलब फटल का चीज पी के निकलो जितना अच्छा होगा का, गजब गजब लॉजिक सुनने को मिलता है, समझ में नहीं आता है। तो क्या अंधविश्वास बहुत देखने को मिलती है कि नहीं? तो ये चीज होता है, आप देखोगे राष्ट्रपति को इस जांच में स्वयं उपस्थिति होकर या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत करना अथवा बचाव करना होगा। यदि विधिवत जांच के बाद दूसरा सदन भी प्रस्ताव में लगाए गए आरोपों को दो तिहाई बहुमत से पुष्टि कर देता है तो प्रस्ताव को पारित मान लिया जाता है, और जिस तिथि को प्रस्ताव पारित होता है उसी तिथि से राष्ट्रपति पद मुक्त हो जाता है। जो मैंने बताया वही चीज यहाँ पर लिखित रूप में दिख रहा है। ज्ञातव्य है कि भारत में महाभियोग का आरोप किसी भी सदन द्वारा लगाया जा सकता है, जबकि अमेरिका में केवल निम्न सदन द्वारा ही महाभियोग की कार्यवाही की जा सकती है। निम्न सदन किसको बोलते हैं? निम्न सदन जी किसको बोलते हैं? निम्न सदन बोलो जी। तो लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, लोकसभा को भंग किया जा सकता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, राज्यसभा का 6 साल का होता है। इसके इसके मेंबर को 5 साल से पहले भंग कर, भंग मतलब हटा देना, लेकिन 6 साल से पहले इसको भंग नहीं किया जा सकता है। आया समझ में? तो इसका मतलब पता है अमेरिका में जो महाभियोग का कार्यवाही किसके द्वारा होगा, लोकसभा या राज्यसभा, निम्न सदन या उच्च सदन? निम्न सदन। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं? नेक्स्ट।